कर्नाटक में फरीथी हिजाब पर राजकीय दंगल जोवा मळी रह्यो छे। कर्नाटक सरकारे हिजाब पर प्रतिबंध दूर करवानो निर्णय कर्यो हतो। मुख्यमंत्री सिद्धारमैयाए हिजाब प्रतिबंध हटावानी मांग करी। कर्नाटक में शाळा कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगावायो हतो। हिजाब पर प्रतिबंध हटावानो अधिकारीओने निर्देश आपवामां आव्यो छे। त्यारे सरकारना निर्णय बाद हवे राजकीय पक्षों में जुबानी जंग जोवा मळी रह्यो छे। भाजपे कह्युं सरकार युवानो वच्चे भागला पड़ावी रही छे। शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म निरपेक्षता मुद्दे चिंता। सरकारे कायदानी जोगवाईमां रहीने निर्णय कर्यो छे तेवुं कांग्रेसनुं कहेवुं छे। कर्नाटक सरकारे लीधेलो निर्णय योग्य छे। फरी एकवार हिजाब पर राजनीति वकरी छे। तो हमारे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में और इस प्रकार से जो है इस तरह से हरकत जो की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ड्रेस कोड जो लागू की जा रही है, इस्लामिक ड्रेस कोड, तो ये कहीं ना कहीं देश को गजवा हिंद बनाने का, देश पे कहीं ना कहीं शरिया कानून लाने का एक सरकार द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है, और वो भी कांग्रेस की जो सरकार है, चाहे गैर बीजेपी सरकार है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर जो लोग भी अगर जो विद्यालय के बनाए ड्रेस कोड को न मान के अपना ड्रेस कोड मानते हैं और उसकी मांग कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उनको इस्लामिक 57 देश है वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ जा कर के अपना करो। लेकिन भारत में अगर रहना होगा तो संविधान को मानना होगा। नहीं, जो भी हम कर रहे हैं संविधान के तहत कर रहे हैं। अगर बीजेपी को इससे मुश्किल है तो मेरा एक मशवरा है उनसे कि वो संविधान ठीक तरह से पढ़ ले। सबको अधिकार है अपने अपने धर्म, अपने अपने खाना कपड़े जो भी पहनना चाहिए, जो भी है संविधान के तहत है। और इंडिगो गठबंधन, इस अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा। कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस ने हिजाब को हटा करके शरिया कानून को लागू करने का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और भविष्य में कांग्रेस की सरकार जहां जहां सर उठाने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। ये सनातन के खात्मे का एक तरह से एक सुनियोजित तरीका है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय हलाल मीट के माध्यम से, हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से इस्लामिक कानून लाद रहा है, दूसरे तरफ कांग्रेसी सरकार कर्नाटक में शरिया कानून के तहत हिजाब को लागू किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी हिजाब के विचार में कल जो बयान दिया है, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। कम से कम बच्चों को अपनी गंदी पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी ने हिजाब को दोबारा स्कूल और कॉलेज में अलो करेंगे ये बयान देख के पूरा इधर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इट इज़ प्योरली अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इससे कांग्रेस पार्टी को या सिद्धरमैया को फायदा मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निंदा करते हैं सिद्धरमैया का और कांग्रेस सरकार का ये प्रयत्न को।